हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ अंकिता शेखर एंड आप सबने मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्यून इन किया है। एंड आई एम सो सॉरी कि ये वीडियो इतने दिनों बाद अपलोड हुआ है, क्योंकि आई वाज अटेंडिंग टू अ फैमिली इमरजेंसी एंड ऑफ कोर्स फैमिली कम्स फर्स्ट फॉर ऑल ऑफ अस आउट देयर। सो आज का जो वीडियो है इज अ सारी लुक वीडियो विच आई हैव एक्सपेरिमेंटेड विथ टू लुक्स। जो फर्स्ट लुक है दैट इज़ अ कम्प्लीटली मॉडर्न लुक जो मैंने ये फॉर्मल टॉप के साथ क्रिएट करने की कोशिश की है, विच इज़ एन एनिमल प्रिंट टॉप। द सेकेंड लुक इज़ अ कम्प्लीटली इंडियन लुक जो कि एक इंडियन ब्लाउज, एक बोटनेक ब्लाउज के साथ मैंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है विथ अ कॉमन साड़ी विच इज़ दिस साड़ी। ये एक बाटिक प्रिंट ब्लैक एंड ग्रे कलर की साड़ी है जो कि मैंने नली से पिकअप किया था कुछ दिनों पहले, बट देन मुझे पहनने का मौका नहीं मिला। सो आई थॉट वाई नॉट यूज दिस साड़ी जो ये एक्सपेरिमेंटेशन है उसके लिए। सो द मेकअप फॉर दीज टू लुक्स आर नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स जस्ट द एक्सेसरीज और द हेयर स्टाइल जो कि चेंज होंगी ये लुक के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। साड़ी पहनने का टाइम है सो ये है मेरा फर्स्ट लुक जहाँ पे मैंने इस एनिमल प्रिंट ब्लाउज के साथ ये बाटिक प्रिंट ब्लैक साड़ी को पेयर किया है फॉर द एक्सेसरीज आई एम नॉट वेयर एनीथिंग इन माय नेक क्योंकि ये टॉप ऑलरेडी ऊपर तक है सो इट्स हाई नेक तो फिर मैं सिर्फ ईयरिंग्स पहनूंगी एंड आई विल गो हैवी ऑन द ईयरिंग्स क्योंकि मैं नेक पीस अवॉइड कर रही हूँ सो आई विल वेयर दीज बिग ईयरिंग्स टू कॉम्प्लीमेंट द साड़ी। So that's it for the accessories. I will not wear anything in my hands as well because ये full sleeve है and कुछ भी दिखने वाला नहीं है मेरे arms में, तो I will avoid wearing the hand accessories or bangles as well. For the hairstyle, as this is a modern look, I am not going to keep my hair open. So I will tie this into a high bun, which is just a simple bun. आप अपने बालों को roll करके यहाँ पे एक bun बनाएंगे with the help of bobby pins. That's all I'll do. So let me show you how I do that. So this is a complete look with a formal top and the saree. So I hope you like this look. So this is the end of the first look. Abhi hum second look try karenge. I hope aap logon ko ye look pasand aaya kyunki maine bhi first time experiment kiya. Let's move on to the second look. So ye second look hai jisme maine elbow length boat neck blouse pehna hai. और पीछे इसमें एक डिज़ाइन है विच आई शूट अ वीडियो एंड शो यू गाइस। बहुत प्रिटी ब्लाउज है ये, ब्लाउज मेरी मम्मी ने सिलवा के लाया था मेरे लिए। सो कमिंग टू द एक्सेसरीज, मैं इस साड़ी एंड ब्लाउज को ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर ज्वेलरी के साथ पेयर अप करूँगी। सो दिस इज़ द इयररिंग, अ हैवी इयररिंग दैट आई विल गो विद। ये एक नेक पीस है जो मैंने अमेजोन से लिया था एंड इसका डिज़ाइन ये इयररिंग के साथ मैच करेगा बिकॉज ऑफ इट्स सर्कुलर डिज़ाइन। सो आई विल गो विथ दिस वन। या सो दैट्स इट फॉर द ज्वेलरी। फॉर द हेयर स्टाइल मॉडर्न लुक के लिए मैंने हाई बन बनाया था, बट ये लुक के लिए मैं बाल खुले छोड़ूंगी क्योंकि दिस इज एन इंडियन लुक।
तो खुले बाल इस पे ज्यादा अच्छे लगेंगे और सूट करेंगे। सो आप देख सकते हैं बाल खुले छोड़ने की वजह से लुक कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। सो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू कि आपके ऊपर कौन सा लुक सूट करता है एंड आप कौन सा लुक पेयर अप करना चाहते हैं कौन सी साड़ी के साथ। सो एनी हेयर स्टाइल इस साड़ी के साथ आई कैन ऑल्सो हैव अ लो बन जो कि मैं मिडिल पार्टिंग के साथ बना सकती हूँ। सो दैट इज अनदर ऑप्शन फॉर द हेयर स्टाइल दैट यू कैन हैव। सो यू कैन एक्सपेरिमेंट विद अ लॉट ऑफ हेयर स्टाइल्स। सो आई प्रेफर ओपन हेयर ऑन दिस बट देन यू कैन ऑल्सो गो विथ लो बन एज वेल विच विल ऑल्सो लुक वेरी वेरी क्लासिक। एक चीज जो मैं करना भूल गई वो है हाथ की एक्सेसरीज। बिकॉज दिस इज अ शॉर्ट स्लीव ब्लाउज आपको हाथों की एक्सेसरीज पहननी पड़ेगी सो दैट द हैंड्स डोंट लुक एम्प्टी। सो फॉर दिस आई विल एक्सेसराइज इट विथ दीज ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स दैट आई बॉट ड्यूरिंग नवरात्रि। आई गो वेरी वेरी सिंपल बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी क्लासी लुक। तो मैं कुछ भी शाइनी और ऐसे ग्लिटरी नहीं पहनना चाहती। सो आई वॉन्ट टू कीप इट वेरी वेरी सिंपल वेर इन जहाँ पे मैं हैवी गई हूँ इयर रिंग्स एंड नेक पीस पे आई गो वेरी लाइट ऑन द बैंगल्स बट देन यू हैव टू पेयर इट विद द बैंगल्स इज वॉट आई सजेस्ट। सो दिस इज द एंटायर लुक। आई होप यू गाइज लाइक द सेकेंड लुक एज वेल। वीडियो पसंद आया होगा वेर इन मैंने एक्सपेरिमेंटेशन किया है दो इंडियन लुक्स के साथ विच इज फर्स्ट इनटू अ कंप्लीटली मॉडर्न आउटलुक एंड द सेकंड इज इनटू अ कंप्लीटली ट्रेडिशनल आउटलुक। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आप दोनों को कौन सा वाला लुक सबसे ज्यादा पसंद आया एंड ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल राइट द डिस्क्रिप्शन एंड द प्लेसेज वेर आई हैव बॉट दीज एक्सेसरीज एंड द सारी फ्रॉम। सारी इज बेसिकली फ्रॉम नली विच आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो। ये मैंने ओबेरॉय मॉल नली से ली है एंड नली अक्रॉस इंडिया यू कैन फाइंड दीज ब्लॉक प्रिंट सारीज। ऑल्सो फ्रॉम दिस वीडियो आई हैव ट्राइड टू मिक्स बोथ हिंदी एंड इंग्लिश इन द वीडियो। आई वॉज अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट जब मैंने ये स्टार्ट किया था बट देन इट वेंट ऑन स्मूथली। सो जस्ट लेट मी नो कि मेरा ये ट्राई एंड एक्सपेरिमेंटेशन आप लोगों को कैसा लगा। योर फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट हेल्प मी ग्रो, इट हेल्प मी सक्सीड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Bye for now.